आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक छोटा सा शहर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित यह आगरा में प्रसिद्ध टूरिस्ट आकर्षक है। रेड सैंड स्टोन से निर्मित फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने की थी। इसे शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था, जिनकी अकबर के बेटे के जन्म की भविष्यवाणी सच हुई थी। फतेहपुर सीकरी आमतौर पर बुलंद दरवाजा से प्रवेश किया जाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए किया था। रेड सैंड स्टोन से बना और संगमरमर से सजाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई जमीनी स्तर से लगभग 54 मीटर है और ऊपर तक पहुंचने के लिए 42 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मेहराब को खूबसूरती के तराशा गया है और इनके किनारों पर सजावटी पैनल लगे हैं। फतेहपुर सीकरी मुगल वास्तुकला की बेहतरीन उदाहरण में से एक है। अकबर ने धर्मनिरपेक्ष धार्मिक विचारों और वास्तुकला और ललित कलाओं में रुचि ने फतेहपुर सीकरी को इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का एक सुंदर मिश्र दिया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने बाद में शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी इस शहर ने कई पुरानी संरचनाओं को बरकरार रखा है। फतेहपुर सीकरी ने प्रमुख आकर्षणों में से एक सलीम चिश्ती का मकबरा है। सलीम चिश्ती का मकबरा 1580 और 1581 के दौरान बनाया गया था। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंश सूफी संत सलीम को दफनाया गया है यहाँ पर। मकबरा एक चबूतरे पर बनाया गया है और प्रवेश द्वार की ओर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं। मुख्य मकबरा चारों तरफ से संगमरमर के पत्थर से घिरा हुआ है। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी के हिस्से के रूप में जामा मस्जिद का निर्माण किया था। उस समय भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में हुआ था। मस्जिद में विशाल धनुष आकार दरवाजे के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये इस्लामी हिंदू और जैन वास्तुकला से मिक्सिंग का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व में इस्लाम खान एक का मकबरा है, जो शेख सलीम चिश्ती के पोते हैं। मकबरे में एक गुंबद और 36 छोटे छतरियां हैं और इनमें कई कब्र हैं, जो शेख सलीम चिश्ती के सभी वंश हैं। यहां पर अनारकली दरवाजा है, जहां से अनारकली फतेहपुर सीकरी से भागी थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।